फॉल्स सीलिंग का फॉल्स ही हटा दी। जो है ना सीलिंग उससे खुश मेकअप डज मैजिक। ऑन माय वेडिंग आई एम वेयरिंग मांगती कार्ड, हु आई एम गेटिंग मैरिड टू। कपड़े तुम लोग के, मैं ईद के इधर सिला रही हूँ और भाग के मैं केरला में शादी हूँ। खुद के खाने की अफड़ा जफड़ा है और ब्लेम मेरे पर डाल देना। सोने का पैटर्न है ना, खाने का पैटर्न है ना, कोई ठिकाना नहीं है। Hi, what's up, you guys? Welcome back to another episode of Hustle with Sarah, where you and I, we hustle together. It's the 10th of April, the same day जब मैंने last vlog end किया था, but अभी रात हो गई है और literally मेरे पेट में से गुड़-गुड़ आवाज आई है। तब मेरे को याद आया कि I need to go to my parents' house. दीक्षिता अंश्वर अभी तक घर पे 8:30 बजे आज उन्होंने बहुत लेट निकले हैं बिकॉज साक्षी सिक लीव पे है, तो दे वर हेल्पिंग मी शूट अ वीडियो एंड देन उसके बाद मैं वो वीडियो एडिटर को भेज रही थी, वो सब कम्प्लीट करी थी, मेल लिखने में लग गई एंड आई एम पर्टिकुलरली होल्डिंग my camera like that so that the gold play button is back in the center. abhi aaj hi aaya hai to thoda time lagega for me to let it sink in. Is there already a dent on it? Oh my god, no, it's a fingerprint. Oh my god, लिटरली था। सिटी कितना सुंदर दिख रहा है ना पीछे से, बहुत सुंदर दिख रहा है। गोल्ड प्ले बटन ज्यादा सुंदर दिख रहा है। मेरे पेट में से बहुत आवाज आ रही है एंड आज छोटू का बर्थडे है तो हम छोटू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई एम सो हंग्री। इट्स 9:30 नाउ। वन आवर आई वाज वॉकिंग एडिशनली एंड देन आई रियलाइज्ड शूट। मम्मी वाज लाइक कहां है तू, आई नहीं सकता। छोटू का एक्चुअल नेम गाइज इज सुनील, फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु डोंट नो। आज तुम लोगों को पता चल गया। आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट दैट मीराकी हैज सेंट मी, सो कम्फी। तैयार हुआ देखा शॉर्ट्स, ओहो येलो, लुक एट डैशिंग। पाजू छोटूज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू छोटू। बिकॉज ऑफ हिम आई कांट पुट फुग्गा आल्सो, यू नो, बिकॉज छोटू ही गेट्स स्केयर्ड। पाजू यू आर अ बिग प्रॉब्लम। ओनली आई एंड छोटू विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। पाजू यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर आवर डेकोरेशन इश्यूज। इज माय व्हाइट लाइट इतनी बकवास लग रही है, छोटू बंद कर दे लाइट किचन की। तुम लोगों ने ये लाइट चेंज किया अंदर की जो इसके अंदर भी थी, बंद कर दिया। ओ, ये सीलिंग ही बंद कर दी मम्मा, ये सीलिंग पे इसने पैक किया इसको। बोला अच्छा नहीं लगता किचन में, हमने किचन की सीलिंग ही पैक कर दी। क्यों? Because I was not liking it. It was like too much of accumulation of dirt in that crevices. Those niches had lot of dirt. ले छोटू मेरे तरफ से तेको बर्थडे गिफ्ट। मम्मी तुमने अपनी फॉल्स सीलिंग का फॉल्स ही हटा दी। जो है ना सीलिंग उससे खुश रहे, तो सीलिंग मिल रही है ना। मैं जाके उधर डिम लाइटिंग चालू करने वाली थी, पता चला सीलिंग ही बंद हो गई है। डिम लाइटिंग तो दूर की बात। कैंडल आई विल गेट लाइटर। लाइटर है क्या ये घर में? लाइटर लाओ, लाइटर खाली गुड लक है। छोटू कैंडल बुझाते समय यू सपोज टू मेक अ विश। विश मतलब तेरे मन में कुछ सोच। अरे तुम लूंगी तो चेंज करके आओ यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। विश मांगा हैप्पी बर्थडे टू यू। खड़ा ही हो गया जो लड़की फोटो में है ना वो तेरे को मिल जावे। ओ गॉड मम्मी, ये तो मेरा छोटू सा बच्चा है, मेरे को नहीं खिलाएगा। मेरे को भूख लगी है छोड़ो। खा ले तू, खा ले अभी। को भी खिला। क्या भाई बंदी है। ओह माय गॉड, आई शुड फीड छोट्स। छोटू और ममता के जैसा तो हमारे घर में। आई स्वेयर सत्यम यू हैव टफ कॉम्पिटिशन। पूरा खा। खराब नहीं हुआ, एक भी बूंद ऑफ केक भी नहीं गिरा उसके येलो टी शर्ट पे। लिखा है टी शर्ट पे आई एम फाइन लुकिंग। वाओ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यू गाइस, इट इज द 12th ऑफ अप्रैल एंड यस्टरडे आई वाजंट व्लॉगिंग बिकॉज आई वाज मेकिंग माय ईद का आउटफिट। तो मैं मंगलदास गई थी सुबह सुबह, जो मैं निकली हूँ आई केम बैक एट 11 o'clock इन द नाइट। आई वाजंट जस्ट फैब्रिक शॉपिंग टिल नाइट
I also went to my friend's place whose dadi just passed away, so it was like two different sides of Bombay driving between that, and it's so hot outside, it's unrealistically hot outside. And today I'm going to shoot with Alfia. So I'm early, 8 o'clock, so 9:30 I'm going to leave in 15 minutes. We are shooting also with a makeup artist by the name of Kajol Paswan, and she's executing the whole shoot for us. So I'm super excited, but I'm also so exhausted. So I'm doing this ice roller. I'm obsessed with this ice roller. That just like literally wakes me up and de-puffs my face also. And my coffee, my impulse coffee. This is Mocha Pe Chauka. Kaunsa wala rahe? Brown wala na. My breakfast just came. I'm gonna finish eating, get some energy because we have a long day of shoot, and I have to pack then because kal subah ki jaldi ki flight hai. I really don't know how I'm functioning on such hectic days, but you gotta do what you gotta do. I really hope I'm not like pushing it with my health because I'm just recovering. I really have no choice. Mere paas clone hota na to main usse kaam karati thi, but I have no choice. Koyal is going at it early morning. Kyunki jab pehli ghooti jaati hai na andar, main jag jaati hu. This side of my face is very inflamed. I don't know how I'm only getting a lot of acne on this side. Like, I'm keeping my skincare routine also very simple right now, not complicating it. But dermats, all my dermats are also on chutti. I have appointment after I come back from Kerala. This really helps me. Even if you have headaches, doing this on your forehead. You hear the bird? Our building ke idhar hi kahin koyal hai. Roz 12:00 tak she's at it, which is good. I mean, I would rather hear her than the construction sound. Vedika is shooting at the back. Her shoot is already on, and we are waiting for Alfia to come. It's from the tight shot, then he can take one step back and sit there. We'll sit on the floor. Yahan pe carpet hai, yahan pe hum log scoping hai natural. Chal ready, Saroj madam. Yes, Badu. Let's roll. Ready? Have a choice. इससे इतना ही जाना कि वापस आगे आ जाए। If you touch your body like शब्द नमी पहले नहीं थी चांदनी and then अच्छा हाथ फ्रेम में चाहिए फ्रेम में लगा and then do जाएगी what's what's your time what and then you have to do this against her that's what I was asking तो मेरे को आगे पीछे कर लेना पड़ेगा rollers in my hair. We've practiced the before transition, that is done. My hair is done half and my outfit ka fitting thoda sa it was not proper, so it's going to get altered. So tab tak Alfia ka makeup chalu hai piche udhar counter pe and fir mera makeup baad mein hoga. So abhi hum pet puja kar rahe hain because that is important. Sakshi and I. Sakshi, tu kab se rahi hai vlog kar rahe ho? Dekh raha hu kitna honest kar raha hu. Mera Rishabh hai tumhari emoji. Yesterday, Dikshita ate Tagalog prawns and pizza by the way, and I did. Because post COVID, I'm trying to avoid heat. Hota hai na bahut seafood. Chicken mein fir bhi itna nahi. I cannot not eat it. I'm just like heat. Already kitna heat nikal raha hai. Finally, mera outfit aa gaya hai and it is fitting me now. Idhar se it was so tight. Mera chest nahi ghus raha tha. I don't know how Kalki didn't get my measurements right. This is Kalki, but probably kuch communication ka gap ho gaya. But now it's like inch wise loose. Ki ab to loose bhi hai mereko. But it's fine. It's comfortable. I can breathe in this. My hair is also partially done. Abhi I can go sit for makeup. But Alfia is ready, so go. Let's go see Alfia. Bro, fab na. Kya bana diya mujhe? Very pretty. ये कौन है मेरी बहन नहीं है समथिंग इज हैपेंड टू हर फेस मेकअप डज मैजिक अभी उसका हेयर इज पेंडिंग एंड माय मेकअप इज पेंडिंग सो वी आर गोना स्विच द मोस्ट आई हैव बीन कवर्ड कवरेज वाइज द आईज लुक सो प्रीटी आईज आर सो प्रीटी मुझे रोना शादी में तो
खाना खाने में बिजी हो एक सोने में दोनों में से कोई भी एक earring and pasa kar lo yeah let that match the pasa because if that pasa is pink ha so then one is this one the other one I'll show you one is this jewelry this works this works yeah yeah okay. So guys I'll show you the other options also yeah sure isme pink hai to usme bhi pink tha na pasa ab dal sakte ho pasa nahi this is perfect location yeah location this is perfect I don't wear technically jo bhi sahi hai wo kar yeah yeah this is perfect this is the ideal thoda sa piche nahi ho raha ha upar lo na isme laga raha kitna tricky hai उसके साथ रहना और भी ट्रिकी हेयर स्टाइलिंग इज नॉट ये पूरा वो मुझे झल्ला वल्ला वाइब दे रहा है On my wedding, I'm wearing Mamti card. Who cares who I'm getting married to? This is my profile. So I can pose like this, Soha, usually. But because we need, of course, close up. This is the main shot, transition castle. Perfect option. Let's look at it. Let's look at it. मांगी तोड़ गई है ये पैसा कितना हिला है ना अभी मुझे शादी के मैं तो केरला वेडिंग में कुछ नहीं कर रहा हूँ 7 बजे हम सब यहाँ से निकल रहे हैं सुबह के 11 बजे से आ रखे ठीक है इफ शी इज लिंक्ड द वीडियो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम वन दैट दिस इज व्हाई लास्ट टाइम अपना रील पहले जाएगा ना ये हमेशा लास्ट टाइम पता है मेरा ये वाला व्लॉग अपने दोनों के बीटीएस का इट वाज इट वेंट लाइव आफ्टर मंथ्स तो आई एम होपिंग ये टाइम पे चला जाता है एंड यू सी द फाइनल वीडियो द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विद व्हाटएवर फ्लावर शावर हैपेंड ऑन अस एंड ड्रामा मैक्स and I hope it turns out really really good as we planned it. yes bahut mehnat lagi hai bahut mehnat lagi hai alsiya jaisa to koi shoot nahi karta hai bhai organic content sachi mein main bol raha hu jis tarike se ye planning karke aati hai na ladki mereko stress deti hai jo it's like walking into a studio that she's like ye ho gaya ye shot mera hai ye I'm just like okay fine but it's always it's always worth it because then when the final result comes you know it's worth it So, ये एक रील के लिए हमने इतनी मेहनत की तो प्लीज ये 1 मिलियन पे पहुंचा दो गाइस प्लीज अगर चाचा नाना दादा सबको इंशाल्लाह रमजान में ही जाएगा इंशाल्लाह हमारी रील पहले चली जाए फिर मैं ये व्लॉग डाल दूंगी अभी केरला की पैकिंग करनी है मुझे ईद का आउटफिट भी प्लान करना है घर जाके मेरी मम्मी सबरीना सब रुके हैं मेरे लिए डंडे मारने के लिए टेलर को भी बुलाना है चलो 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 तो मेट्रो स्टेशन पे फाइनली हमारे ईद के कपड़े का कुछ तो गया अजहर को वो ठीक है मैं टाइप करके भेज दूंगी इसको चैट पे जो लिखा हुआ है अभी मेरे को जाना है केरला कल सुबह क्या विद इन 6 आवर्स 7 o'clock शादी है मेरे को Yes. भाग के मैं केरला में शादी कर कपड़े तुम लोग के मैं ईद के इधर से ला रही हूँ और भाग के मैं केरला में शादी कर मैं भी छोड़ सकती हूँ अगर मैं कोई खिला देगा बराबर तो मैं छोड़ सकती हूँ मेट्रो स्टेशन पे नहीं छोड़ रही हूँ मैं दही सर छुड़वाने का ना तेरे को 11:15 एंड आई एम सुपर सिक मेरी हालत बहुत खराब हो गई है आई थ्रू अप एवरीथिंग दैट आई एट मम्मी घर पे आके आई डिनर माय बॉडी डिडंट एक्सेप्ट इट आफ्टर द फुल डे ऑफ शूट आई जस्ट थ्रू अप एवरीथिंग स्टूडियो में आके
एंड नाउ आई एम पैकिंग फॉर केरला ट्राइंग टू डिसाइड कि शादी में क्या पहनना है. एक्चुअली कल की सेंड मी रियली ब्यूटीफुल आउटफिट्स बट अब मैं उसको देख रही हूँ एंड आई एम लाइक बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा फॉर केरलाइट वेडिंग बिकॉज जोविटा वॉज लाइक केरलाइट्स डोंट ड्रेस लाइक सुपर एक्स्ट्रा लाइक कियारा अडवाणी का लहंगा टाइप. सो मम्मी बोलते हैं मैं कियारा अडवाणी का लहंगा जैसा पहनू बिकॉज आई नो वट मेघना इज वेरिंग एंड आई नो हर लहंगा ऑन द सटल साइड इट्स व्हाइट बट शी इज वेयरिंग अ लहंगा वो मुझे पता है ऑलरेडी बिकॉज मैंने उसका शादी का जोड़ा देखी हो तो मुझे ऑफकोर्स वैसा नहीं था. देन माई ऑप्शन इज दिस लास्ट ईयर का ईद का आउटफिट विच इज अ पाकिस्तानी सूट एंड शी इज टोल्ड पेस्टल पिंक फॉर वेडिंग. उसने हम लोग कलर थीम दी है पेस्टल पिंक एंड येल्लो. मैं ये मेरा लास्ट ईयर का ईद का जोड़ा कैरी कर रही हूँ. देन आई एम कैरिंग दिस येल्लो आउटफिट जो कल्की ने भेजा है फॉर संगीत और येल्लो में मैं एक बैकअप भी कैरी. मेरे पास ट्राई करने की भी ताकत नहीं है तो फिट हुआ तो ठीक वरना आई एम कैरिंग माई लखनवी जोड़ा येल्लो वाला बैकअप में एंड देन कपल ऑफ रेगुलर टॉप्स. क्या क्या डाली मैंने एक लैवेंडर शर्ट एक ग्रीन सैटिन शर्ट और एक डेनिम डाली. डेनिम नहीं डाली ये वाली डेनिम डाली व्हाइट कलर का वो हिमाद्री वाला ड्रेस डालो मत मैं एयरपोर्ट के लिए पहनने के लिए ली. अच्छा देखा उसने क्या लिखी हिमाद्री ने मुझे उसकी फूल सी प्यारी कलेक्शन का इतना सुंदर वो भेजा ये देखते के साथ आई वाज लाइक आई विल वेयर इट एट द एयरपोर्ट बिकॉज एक्चुअली हिमाद्री भी आने वाली थी केरला बट माइलो की तबीयत बहुत खराब हो गई है तो वो भी नहीं आ पा रही है बट आई विल वेयर दिस एट द एयरपोर्ट. सुपर सुपर सॉफ्ट एंड कम्फी. चार दिन के लिए तीन नहीं लगेंगे. तीन नहीं लगेंगे. एक ऑलरेडी बर्श्का का पैंट ली है तूने व्हाइट कलर का. व्हाइट वाला ना हाँ तो वो काफी है. उस पे सैटिन शर्ट जाए ऑफकोर्स वो कार्गो है. कार्गो पे सैटिन शर्ट कैसे क्यों नहीं जाएगा कुछ भी अपन ट्रेंड बनाने का ना. ऐसा लग रहा आज पूरे दिन में कुछ भी नहीं गया मेरे सिस्टम में जो गया सब बाहर आ गया. वो मेकअप उतारने भाई साहब अभी भी ऐसा लग रहा है मैं स्टीम के लिए पानी रखवाई हूँ मेकअप निकालने फ्रॉम द पोर्स ऑफ माई स्किन. द अमाउंट ऑफ मेकअप दैट इज देयर इज अनरियल. मम्मी यीशु की एक्टिंग करी कैसा करता हूँ. नानी वन पिशवी. पिशवी टू पुट हिज वॉटर बॉटल दैट इज हिज इनग्रेन हैबिट. व्हेन ही गोज डाउन पुट इट इन द बैग. रेड पिशवी. ओके दिस आई एम वेयरिंग टू द एयरपोर्ट एंड माई स्ट्रैपलेस ब्रा. दिस इज माई एयरपोर्ट लुक. कपड़े हो गए हल्दी का बस हुआ ना. मम्मी बोल रही थी साड़ी पहनने के लिए वो देसी गर्ल वाली साड़ी मंगवा लू छोटू से. देसी गर्ल वाली मेरे को ड्रेप कौन करेगा. सिंपल एंड सटल आई वेयर रियली बिग इयररिंग्स एंड स्टाइल इट डिफरेंटली. आई डू अ बन और समथिंग. या आई डू अ बन. यू कैन यूज आर्टिफिशियल एक्सटेंशंस. रेवा दो मम्मी आज मैंने पूरी कसर उतार ली जिंदगी भर के तैयार होने की. यार हालत खराब हो रही है. एक तो कुछ और जोड़ा लू क्या सिंपल कुर्तीज का एयरपोर्ट पे आने को. ये एक डाल दो शादी का होटल है ना. ये एक जोड़ा डाल दो. ये वाला ले रही वापस आने के लिए एयरपोर्ट के लिए विद द दुपट्टा. या आई रियली लाइक दैट आउटफिट. ऐसे बैंड नहीं हुआ जरा. ऑल ऑफ दिस इज हॉटिंग बिकॉज आई एम नॉट ईटन एनीथिंग फुल डे. 14:30 यस दिस इज हाउ आई फील टुमारो. आई विल ईदर टेक अ फ्लाइट इन द नाइट टुमारो. अगेन नाइट की स्लीप चले जाती है ना यार सारा. या आई थिंक यू कम मॉर्निंग. हाँ ऐसा कुछ. एंड अर्ली मॉर्निंग मत करो थोड़ा आफ्टरनून में आ जाओ चले. I'll miss this flight in the morning. You tell them I'm not boarding just because our ticket is the same, na? I cancel it. Did we have cancellation refund? No, na. Ek raat. I don't. Ek raat bhi nahi bachi. I'll check Go IBIBO if there's a reschedule. Oh yeah, you can do that. You'll be fine. Strong, independent girl. Akanksha, how she knows? अच्छा मेघना. I connected her and Meghna. अच्छा ओके. That's but Meghna is in Kerala, right? Jaya is in UK and Dikshita is here and distance works wonders. Oh, I think I'll figure sleeping. Yeah, my mother is sleeping here. Guys, I'm not going. मेरी हालत बहुत ज़्यादा. My mother is like, यहाँ तेरे से उठा नहीं जा रहा. Bathroom जाने, उल्टी करने और तेरे को Kerala जाने का. Dikshita is going to go alone. I'm more concerned about that. Kerala is a safe place. It's not about safe. ये बच्ची है हम लोग की. मेरे को वो है कि इसको अकेला. मैं तो मम्मी बोल रहे थे फ्लाइट फोन बंद करके सो जा रहे थे. दीक्षिता को बता रहे सुबह उठ के उसको शॉक लगेगा. एंड योर रेगुलर फोन इज कमिंग स्विच्ड ऑफ. हाउ आर यू ऑनलाइन ऑन व्हाट्सएप एंड योर रेगुलर फोन इज स्विच्ड ऑफ. 9 o'clock के बाद फ्लाइट मोड अपने आप. मैं कर देती फ्लाइट मोड. चाहिए नहीं किसी का कॉल. बट नट
Your Wi-Fi is on or what? But it's okay, don't worry about me and handle. Don't carry to. You just put the video on drive, don't carry your laptop and all that tamjam then. Just go. I will come on 14th in the morning. I'll rest tomorrow. Take care. Bye, Nikshita. Safe journey, beta. Yes, auntie. You're a brave Thank girl. You. Safely go, safely, okay? Yes, if yes. you need anything, Shweta Di and Jovi are there. I'll wake okay. up and I'll text you. You'll land. Yes, yes. Safe journey. Kerala is not a problem. Kerala yeah, Kerala is safe. Yeah, people are very friendly and very nice. Yeah. It's okay. Solo trip, Dikshita, solo trip. Take care. Tomorrow you take the doctor's appointment, na chutti liye to. Which doctors? Bindra ka. वो बिंद्रा किन की पड़ी है मेरी माँ को यहाँ मेरा पेट का हाल हो रखा है मुझे ना ये सब दुख रहा है एक्चुअली मेरे को हो गया वॉमिट हो गई पूरा सिस्टम क्लीन हो गया एक्चुअली मेरे को एसिडिटी हो गई पूरा दिन कुछ खाई नहीं और फिर जैसे ही घर आई मैं सब इफ्तारी का खाना खाई मैं नींबू पानी मेरे घर में डाइजीन नहीं है सर ही सोने के इरादे में हूँ नहीं मैं जा रही हूँ 12 बज के हर 12 बजे मेरे को नहीं जाना तुमको कौन सा भूत प्रेत पकड़ेगा मम्मी सबको पकड़ता है भाई भूत प्रेत पता चला मेरे को ही पकड़ा भूत प्रेत ने देख हम लोग ऐसे ही बचपन में सोते थे तेरे साथ नहीं तू बचपन में मेरे ऐसे ही सोती थी पक चिपक के चिपक चिपक के मम्मी तुमने ना अपना ध्यान रखी होती जब तुम मेरे साथ प्रेग्नेंट थी तो मेरे इतने बुरे हाल नहीं हो रहे थे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू दैट आई हैव बैड इम्यूनिटी अंडरस्टूड खुद के खाने के इतना वो है लफड़ा जफड़ा है और ब्लेम मेरे पर डाल देना सोने का पैटर्न है ना खाने का पैटर्न है ना कोई ठिकाना नहीं है आई एम नॉट टू श्योर बुरा लग रहा है मेरे को संगीत में नाचने का था प्रैक्टिस वैक्टिस करने की थी मैं मेघना की शादी मिस नहीं करने की मिस तो मैं नहीं कर रही हूँ मैं जा रही हूँ मिस मत करना शादी मिस मत करना हम लोग एक दिन जल्दी इसलिए जा रहे थे ताकि हम लोग संगीत प्रैक्टिस कर सके तो लतिका मैं दीक्षिता हेल्थी नहीं अच्छी है तो क्या वो करने वाले वही ना क्या जाके नाचू और क्या खाली सबको हैरान करने का मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार मैं किसी को हैरान नहीं करती हूँ मैं सेल्फ सफिशिएंट तुम भी सामने से वॉलंटियर की आने के लिए वरना मैं अपना ध्यान रखी हूँ चल गया ना मैं आई तो मैंने डिसीजन तो ली ना कि नहीं जाने के लिए तो तू तो चल पड़ती थी कल आता मैं झोपते नंतर भेटू यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स लेटर I didn't end up going to Kerala. I missed my flight. I slept. And my stomach is feeling a lot. Also, the sunscreen I tried today has a lot of white cast, so it's not working out. Trying to like take medicines and get better, inshallah, taki main baad mein ja sakun shaadi mein. Really don't want to miss Meghna's wedding. But yeah, Dikshita has made it to Kerala, so her first solo trip happened. Eating dahi khichdi and gawar ki sabzi for lunch, really needed. I took a pandi also to avoid the acidity and nausea. Inshallah, inshallah, hope hai abhi. Jaise aaj raat ko main so ke uthu, kal kaisa lagega, us hisab se I'm thinking dopahar ki flight I can take, because kal shaam ko sangeet hai. Or I can skip the sangeet and directly go for the शादी वी आर ऑल्सो लाइक वर्किंग अ लिटिल बिट जस्ट बाय साक्षी थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा वी डोंट हैव अ चॉइस मैंने लास्ट वीक भी छुट्टी ली थी सो कैन नॉट टेक एनी मोर लीव्स हैव कमिटमेंट्स टू कंप्लीट फिनिशिंग ऑल ऑफ दैट एडमिन वर्क एडिटिंग एंड ऑल ऑफ दैट सीइंग अधिक्षता हैड अ वेरी बैड गो फर्स्ट एक्सपीरियंस वो बोल रही थी वैसे भी हमारी फ्लाइट ना बार बार प्रीपोन हो रही थी एंड गो फर्स्ट हमको कॉन्स्टेंटली कॉल कर करके बता रहा था 5-5 मिनट से प्रीपोन करते और बहुत कॉल्स किए जा रहे थे फाइनली अधिक्षता उधर गई वो बोली 1:30 से कोई फ्लाइट उनकी उड़ी ही नहीं रात के तो सब लोग झगड़ा कर रहे थे काउंटर पे एंड टर्मिनल 1 से उड़ती है गो फर्स्ट नॉट टर्मिनल 2 सो शी हैड अ रियली बैड लाइक बहुत केओस था उधर कोई चेक इन नहीं करवा रहा था कोई नहीं स्टाफ ही नहीं था गो फर्स्ट का आई डोंट नो हाउ शी मैनेज्ड एंड गॉट थ्रू और उसकी फ्लाइट कैसे टेक ऑफ की बिकॉज 1:30 से लाइक शी सिंग कोई फ्लाइट नहीं उड़ी शी इज लाइक दूसरी कोई भी फ्लाइट ले रहे हो आप आने के लिए डोंट टेक गो फर्स्ट इवेंचुअली फाइनली डाउन टू पैकिंग अगेन Attempting one more time, Sakshi Mehta to the rescue whenever I cannot do anything. And she's packed everything जो मम्मी कल नहीं कर पाए बेसिकली मैंने तो कुछ पैकिंग की नहीं है तो आउटफिट जो मैंने कल रात को सिलेक्ट की थी ईद वाला उसके बाद शी रिमाइंडेड मी कि मैंने वो जो कियारा वाला बनाया है द वेडिंग लहंगा द शरारा पैंट्स दैट वाला आउटफिट साक्षी से दैट इज ऑल्सो पिंक यू कैन वेयर दैट एंड आई वॉज रियली इंक्लाइन टू वेयर द दिवाली वाला आउटफिट जो मैंने बनाया था पटियाला आलिया भट्ट वाला दिवाली वाला आउटफिट
that is the very royal and regal looking. It's red, so it might not be on color palette or a Malayali wedding, but I think it will be good nonetheless. My skin's bad also. And my gut is not okay. Of course, my skin is also not going to be okay. Maine abhi nayi flight ki booking ki. I've booked a 9 a.m. Indigo for tomorrow morning. Inshallah, I can make it. Really don't want to miss Meghna's wedding. The main thing is also that shaadi ke baad she's going abroad to settle down with her long-term boyfriend with whom she's been in long distance. So I will probably never see her again in any time soon, you know. तो अभी मैं ये वाला निकाल रही हूँ, कल की का ये वाला लेके जा रही हूँ, और ये लखनवी भी निकाल रही हूँ. तो थोड़ा वेट मुझे कम करना है. आई डोंट वॉन्ट टू पे फॉर एक्स्ट्रा लगेज. आई एम नॉट इवन कैरिंग माई लैपटॉप यू गाइज. स्किन केयर, मेकअप, आई पैक्ड एंड साक्षी पैक्ड ज्वेलरी, एंड मम्मी ने कल रात को ये सब पैक कर लिया था. एंड देन लास्ट सुबह मैं इक्विपमेंट सीधा उसमें डाल दूँगी. मुझे एसीटोन से मेरी हल्दी निकालनी है. दही चावल खा रही थी तो तड़के का पूरा हल्दी लग गया मेरे हाथ पे. एंड देन आई एम गोना टेक माई मेडिसिन, गो टू मेड्स. वैसे तो कोचिन इज़ अ सिटी, सो इट्स नॉट लाइक इन केरला का मुन्नार एंड ऑल. इट्स नॉट एट द हिल स्टेशन, इट्स इन द सिटी, सो इट्स फाइन. आई कैन सर्वाइव इफ एनी थिंग आई विल डन सो. इंडियन शादी में बेस्ट थिंग इज़ ज्वेलरी जो हमने पैक की है. काफ़ी मेरी सारी सुंदर सुंदर ज्वेलरी. कल की ने मेरे लिए इतना सुंदर लहंगा भेजा था, बट मम्मी ने जब ये देखी शी वॉज लाइक आर यू रियली गॉट, दिस इज़ वॉट कल की सेंट फॉर मी टू वेयर एट मेघनाज वेडिंग. लाइक भाई मैं ही दुल्हन दिखूंगी, इतना भारी पहन के जाऊँगी. तो सो देन वी डिसाइडेड टू डिच दिस, एंड दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग इन टू माई आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच ऑप्शंस to not like overdo the wedding. But yeah, we had this option. This was our leading contender. So kal raat se mere se uthaya bhi nahi ja raha tha, but mummy ditched it immediately, just like she ditched my plans to go also. She was like, utha nahi ja raha hai, tere ko shaadi mein ja rahe hai. This was the last night Mahi sent for me because mera Digene syrup expire ho gaya tha ghar ka. So she brought it for me and came. Sunscreen idhar aap hi use karte ho sunscreen, to idhar kya kar raha hai? इसके पहले से शुड टेक अ मास्क, शुड टेक डाइजीन टैबलेट्स, शुड टेक पैंडी. डोलो कदम हो गए सत्यम, नीचे जाके लेके आना प्लीज. मैं बेड पे बैठ के उपमा खा रही हूँ. मम्मी ने मेरे लिए उपमा भेजे. ये वाले का गेटअप अच्छा है कि मेरे लास्ट ईयर के ईद वाले का अच्छा? बट शादी है ना, बेस्ट तो वो दिवाली वाला है ना, लाल वाला. हाँ लाल वाला बेस्ट. ये मैं बैकअप में लेके जा रही हूँ एक्चुअली, बस मेरा भारी नहीं हो जाए. एक बार वे कर लेंगे क्या, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा वेट का देने का नहीं पैसा. ऑलरेडी एक फ्लाइट का पैसा वेस्ट गया. आई डोंट थिंक, बस दो दिन की शादी तो है. बट मेरे को, हाँ बट मेरे को लगता है 15 किलो से ज्यादा आएगा. मेरे को लगता है ना पापा, ये वाला डालो ही मत. मेरे को इसका नहीं पसंद है इतना. इसका ना ये लेस बहुत चीप दिखता है, और ये भी मनोज श्योर कूल देना है. जस्ट हैव दैट. दही खिचड़ी और उपमा खाने के दिन आ गए मेरे. हंसो मत तुम, तेरी बेबसी पे. ओवर वर्क होती है बेटा, ओवर वर्क होती है. मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे अलावा मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं कर लूंगा. अच्छा, तुम इतना मेकअप लगा के शूट करने लगे ना तो कोई नहीं देखेगा. एक्चुअली यू नेवर नो, क्रिंज कंटेंट का जमाना है. सब देख भी ले. मैं हैरी पॉटर देख रही हूँ मस्त मेरे टीवी पे. बराबर टाइम पे टीवी लगाई हूँ मैंने, बिस्तर पे ही पड़े रहने का. इट्स थर्सडे बट आई कुडन अपलोड अ वीडियो टुडे, बट आई एम गेटिंग दिस वीडियो रेडी फॉर संडे, सो यू ऑल कैन वॉच दिस व्हाइल इंशाल्लाह आई एम एट द वेडिंग. आई हैव बीन रेस्टिंग मोस्ट ऑफ टुडे एंड जस्ट बीन ईटिंग लाइक लाइट फूड, सो आई एम फीलिंग लाइक अ होल लॉट बेटर. Like 20-30% better for sure. And like I already said, I don't want to miss Meghna's wedding for the world. So I'm going to go there, not eat any spicy food, anything. Just be there for her and attend and witness her wedding. I just want to see her get married, you know. Maine itne saal usko dekha hai long distance mein. Actually, y'all don't know, but we've known each other for since 2020. So 3 saal se distance mein hi, even though she stays in Bangalore. There is such a good relationship and I've known that, you know, how much her long distance has meant for her. Or finally, wo long distance boyfriend se uski shaadi ho rahi hai, to wo dekhna hai mujhe. Matlab, hote main khali content jo uska dekhti hu, mujhe itni khushi milti hai ki finally they are together. So I really want to be there for my friend and also get Dikshita back to Bombay. Just go for that and
just be with my friends. Ladega ko bhi kitne time baad I will see. I think last I saw her at the Mammoth event in Delhi. Bhai, bohot time ho gaya. So I'm excited and I'm going to inshallah pray lot of Aitul Kursi on me and go to sleep. And then wake up and take the flight. I have a 9 a.m. for Kerala tomorrow morning. If you like this video, give it a big thumbs up. For details, as for sure, goes to Achal. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video, as for sure, you know what to do. Hit the subscribe button, bell icon right next to it. And also leave a comment down below saying hashtag SarahSquad. And join me for my next video, SarahSquad. Sure. I will see you guys very soon in another video. Bye guys, love you.